हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही सिंपल और टेस्टी आटे का हलवा बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले आटा चाहिए। आप कोई भी कप ले सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट, या फिर इस टाइप का मेजरिंग कप भी ले सकते हैं। तो ये मेजरमेंट हम लोग करते हैं, एक कप आटा, 3/4 कप घी और एक कप चीनी, 1.5 चम्मच चाय की चम्मच जो होती है वो सूजी, और उतना ही 1.5 चम्मच क्वांटिटी में बेसन। इससे हलवा थोड़ा सा अलग टाइप का टेस्ट आता है। इसके लिए सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे। पैन लेते हैं, उसमें हम लोग आप जो कप से मेजर कर रहे हैं उसी कप से 2 से 2.5 कप हम लोग पानी बॉईल कर रहे हैं। ये हम लोग एक तरफ दूसरे गैस में चढ़ा देते हैं पानी बॉईल होना, जो आपके पास हो, एल्युमिनियम स्टील। थोड़ा सा कढ़ाई गरम हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे जो हम लोगों ने घी लिया है मेजर करके, वो घी। एक बार थोड़ा ज्यादा गरम करेंगे घी को एकदम फुल फ्लेम में। जैसे घी गरम हो जाता है हम इसकी आंच थोड़ी मंदे कर देंगे और हम लोगों ने जो सूजी लिया है उसको डालेंगे, और आंच मंदा मीडियम या लो फ्लेम में ही आपको बनाना है। फिर थोड़ा सा फिर हम लोग ये आटा डाल देंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। आंच का ध्यान रखिएगा, मीडियम टू लो ही रहना चाहिए। ज्यादा तेज आंच में हलवा टेस्टी नहीं बनेगा और अंदर तक नहीं सिकेगा, ये कच्चा रह जाएगा जिससे टेस्ट उभर के नहीं आएगा हलवा का। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जो हलवा बन के आएगा वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा। दो तीन मिनट भूनने के बाद हम लोग के पास जो ये बेसन हम लोगों ने लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। पानी बॉइल हो गया है तो मैंने बंद कर दिया है गैस। अगर आपको इस बीच में लगे कि घी थोड़ा कम लग रहा है, आपको चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, नहीं तो इतना घी सफिशियंट है। कलर चेंज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग ये सीजने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा, वैसे वैसे इसका कलर चेंज होते जाएगा और आपको एक फ्लेवर बहुत अच्छा खुशबू आने लग जाएगा। डार्क ब्राउन टाइप का होगा तब तक हम लोग को इसको सेकते रहना है, और आज का एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, लो टू मीडियम ही रखना है। तेज होने से हलवा जल जाएगा जिससे टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसको करीबन सीखने में 10-15 मिनट्स लग जाएगा। ध्यान रखिएगा अच्छा लगता है, बस थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा पानी और लगेगा। Thank you.
अब इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। चीनी मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार 3/4 कप चीनी हम लोग डाल रहे हैं। और इसको अच्छा से थोड़ा सा आंच तेज कर लेंगे, अच्छा से मिला लेंगे। एक दो मिनट में बस ये चीनी घुल जाएगी इसमें अच्छा से। ये चीनी बहुत अच्छा से घुल गया है। अब हम इसको, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर और नट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है ये हलवा। हम इसे साफ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हलवा रेडी है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा आपको। उम्मीद है आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आएगा। थैंक यू।